साल पहले मोदी जी को वोट दिया था क्योंकि उसने वादा दिया था कि बहुत रोजगार लेके आएंगे। देखा है कि रोजगार नहीं आए और हमारे देश में आजकल सबसे ज्यादा, हमारे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी चल रहा है। इनकी जब से हम आंकड़े लिखने शुरू किए, इतने लेवल ऑफ बेरोजगारी हमें कहीं देख नहीं सका, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि लोग असंतुष्ट है, लेकिन वो हमारे तरफ देख के चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत हो, और मेरे ख्याल में मजबूती दिखाने के लिए हम लोग तैयार होने चाहिए। मैं बेरोजगारी के बारे में कहा, लेकिन आपको महंगाई के बारे में आप खुद जानते हैं, जब आप बाजार जाते हैं आपको मालूम है किस किस्म की खर्चे आपको ज्यादा हो गया है। अगर आप देखेंगे जिस हमारे देश में जिस तरह से नफरत फैली जा रही है, ये भी लोग काफी असंतुष्ट है, क्योंकि हम तो एक साथ जीने का तरीका है हमारे देश में और उसको भी बदल जा रहा है। ये सब देख के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो देश को अच्छी तरह चलाया है, अनुभवी लोग हैं हमारे पास, हम दिखाना चाहते हैं वोटर्स को कि हम कामयाब हैं। 2014 में और 2019 में हमें दोनों बार सिर्फ 19% वोट मिला। 19% वोट से हम वापस आने वाले नहीं है सरकार में। तो हमें क्या करना है, हमें मजबूती दिखा के वोटर्स को वापस ले आना है जो पिछले दो चुनाव में हमारे साथ नहीं थे, लेकिन उसके पहले वाले दो चुनाव में शायद हमें वोट दिए थे 2004 और 2009 में। तो इनको फिर अट्रैक्ट करने के लिए पार्टी आकर्षित होनी चाहिए, पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आके कहेंगे कि इस कांग्रेस पार्टी में आत्मविश्वास है और इसलिए हम भी उस पर विश्वास दे सकते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो मेरे घोषणा पत्रिका में मैं लिखा हूं, घोषणा पत्र में जो लिखा है यहां, इसमें जो 10 पॉइंट और सारे इनकी कॉपीज हैं आपके लिए, हिंदी में, मराठी में भी है और अंग्रेजी में भी है, हम कहना चाहते हैं कि इससे हम पार्टी को एक विकेंद्रीकरण करके एक रिजुविनेशन भी कर देंगे, जवानों को लेके आएंगे और जवान भारत की पार्टी होंगी कांग्रेस पार्टी। तो यह है मेरा प्रथम संदेश। दो चीज और मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई सोचे कि मुझे और खारगे साहब के बीच में कोई नफरत है, ऐसे कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं, हम सहयोगी हैं, दोनों एक ही पार्टी में काम कर रहे हैं, इस चुनाव के बाद देखिए एक ही पार्टी में काम करना पड़ेगा हमें, तो ऐसे कुछ नहीं है। हम दोनों एक ही आइडियोलॉजी में हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। मैं उनके साथ काम भी किया हूं जब वो लोकसभा में नेतृत्व देते थे 2014 और 19 के बीच में। लेकिन हमारे शायद दोनों के एक ही अंतर है कि हमारे काम करने के तरीका में फर्क होगा। जो मेरे आइडियाज है इसमें, जो मैं डेलीगेट्स में जरा ज्यादा डिटेल में बताया था और आपको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि ये प्रेस में रिलीज हो चुका है, लेकिन ये जो आइडियाज है इनके कारण पार्टी में जो जिस किस्म के बदलाव आएगी, मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि परिवर्तन हमारे पार्टी में चाहिए, और ये परिवर्तन ले आने वाला मैं सोचता हूं कि मैं हूं परिवर्तन की उम्मीदवार, बदलाव के लिए मैं खड़ा हूं। यह है हमारे दोनों के बीच में सबसे बड़े अंतर।